राक्षस को ललकारा है। एक के बाद एक जंग हारता जा रहा हूं मैं, पहले दिल्ली और अब कुछ पूरा, सब तेरी गलत सलाह की वजह से। महालिजा, एक मशवरा देता हूं। नहीं चाहिए मुझे तेरा मशवरा। माफी माफी तुरे तुरानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां फंसा हुआ हूं और सदाशिव मेरे इलाके में घुस रहा है। अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा। क्या करूं मैं? उसे रोकना होगा। मुझे जमुना पार करनी है। इस वक्त मुनासिब नहीं होगा शहंशाह। तेरा मशवरा नहीं चाहिए मुझे। मुझे जमुना पार करनी है अभी इसी वक्त। मुझे जमुना पार करनी है। अब्दाली ने नदी पार कर ली, हमारे पीछे आ रहा है, केवल 100 कोस दूर। तब तो हम सीखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी गति धूनी कर ले और रात में भी चले। सिर्फ सेना होती तो ये हो सकता था, लेकिन इतनी महिलाएं और लोगों के साथ ये नामुमकिन है। यहाँ पास ही में पानीपत का किला है, हम वहां जा सकते हैं। जिस मौके का इंतजार था आ गया। तलवारें खींच लो, हम अब्दाली का सामना वही करेंगे, पानीपत। पानीपत का नाम सुनकर ही मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। पानीपत का किला, ये किला तो बहुत ही छोटा है, हमें सहारा नहीं दे पाएगा। हमें इसके आसपास ही अपनी छावनी लगानी होगी। चलो। अंदर हमें जल्द से जल्द खंडक खोदना होगा। इंतजार का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन हम तो पहले से ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे। भोजन सामग्री खाली हो गई थी। श्रीमंत, 3 दिन हो गए, सेना ने किसी ने कुछ नहीं खाया है, गुड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। और हमारे सहयोगी सिख ना तो रसद भेज पा रहे थे ना सेना। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मदद करें सदाशिव बाहू की। क्या बताएं भाऊ साहेब, यमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। भैया राधक सिंह जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए।
हम आपके आभारी हैं। सेना कितनी लाए हैं? 5,000। राजा आराधक सिंह का हमसे जुड़ जाना एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। हमारे बीच कोई दरिया नहीं है। सदाशिव राव भाव पेशवा अब्दाली, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की यह रणभूमि है। महीनों की लुक्का छुपी, जोर तोड़ और नक्शे बदलते बनाते मराठा और अफगान पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े थे, हमारे पीछे था कांधार और उनके पीछे पुणे। शहंशाह, सारे इंतजाम सूरज जलने से पहले हो जाएंगे। शहजादा तैमूर शाह अब्दाली अपनी फौज के साथ शाम में पहुंच गए हैं। तैमूर, तू बड़ी जल्दी आ गया। आपका पैगाम मिलते ही मैं पंजाब से रवाना हो गया। लेकिन अब्बू, एक बुरी खबर लाया हूं। क्या? जल्दी बता। खबर कांधार से है। सरफराज चचा ने तख्त उलटने की साजिश चली है। भारी पैमाने पर गिरोबंदी शुरू हो गई है।